वेलकम टू एंग्री कोडर्स। आज हम उबंटू का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करेंगे, उसको वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करेंगे और आपको कंप्लीट इंस्टॉलेशन बताएंगे। वर्चुअल बॉक्स को हमने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि इस एक तो ये फ्री है और इसमें ऑप्शन ज़्यादा है वीएमवेयर से। तो सबसे पहले हम वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड कर लेते हैं। वर्चुअल बॉक्स हम सर्च करते हैं, मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है लेकिन मैं आपको डाउनलोड का तरीका बता देता हूँ। डाउनलोड में जाना है, आपने विंडो होस्ट को क्लिक करना है। आप जब ओके करेंगे आपका डाउनलोड शुरू हो जाएगा। आपके पास ये नहीं आएगा क्योंकि मैंने आईडीएम पे इसको डाउनलोड किया हुआ है, इसलिए मुझे ये कह रहा है। तो अगर मैं ओके करता हूँ इसको, या डुप्लिकेट कर देता हूँ, तो ये अगर मैं स्टार्ट करूँगा तो ये स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपके पास आईडीएम नहीं है तो ये ब्राउज़र में ही डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। अब हम उबंटू को डाउनलोड कर लेते हैं। उबंटू लिखते हैं, उबंटू 22.04 LTS। LTS का मतलब है ये लॉन्ग टर्म सपोर्टेड है, मतलब ये आपके तकरीबन 5-6 साल तक चलेगी, लिखा भी हुआ है ये। तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ये भी मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है। अगर आपका इस तरह एरर आता है तो आप इसको बैक करें, इधर क्लिक करें डाउनलोड नाउ पर, फिर बैक करें, डाउनलोड पर जाएं और डाउनलोड नाउ पर क्लिक करें। ये आपका इस तरह ऐसे फाइल आ जाएगी। अगर आपके पास आईडीएम नहीं है तो आपका ब्राउज़र में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। इसको कैंसिल करें, कैंसिल मैंने किया, आपने नहीं करना, आपका डाउनलोड होगा। मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ था। वर्चुअल बॉक्स है, मैंने उबंटू को फोल्डर में इधर करके रखा हुआ था। तो आप भी क्यों नहीं सेव इसको कर लें या उधर ही रहने दें, आपकी मर्ज़ी है। वर्चुअल बॉक्स को आप ओपन करें। यह आपका इंस्टॉलेशन प्रोसीजर है, वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल हम कर रहे हैं। मैंने पहले से इसको इंस्टॉल किया हुआ है लेकिन हम इसको रिमूव करते हैं पहले। दोबारा इसको हम इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग में इसको जाने दें, यस करें, इंस्टॉल करें। अब यहाँ से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं, फिनिश करके आपका ये स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप से गलती हो जाती है, टिक पे आपका क्लिक नहीं होता, तो आप ये मेरा स्टार्ट हो गया, तो आपका ये डेस्कटॉप पे आ जाएगा या आप इधर भी सर्च कर सकते हैं वर्चुअल बॉक्स। मैंने पहले उबंटू को डाउनलोड किया था, इंस्टॉल भी किया था सारा, लेकिन वीडियो प्रिंट अच्छा नहीं आया, तो वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आई, उसकी वजह से
मुझे ये वीडियो दोबारा बना नहीं पा रही है। हम इसको डिलीट कर देते हैं, इसको रिमूव करते हैं, डिलीट ऑल फाइल्स करते हैं, फ्रेश इंस्टॉल करेंगे दोबारा से। अभी आपके आपके पास इस तरह ये आएगा, तो आपने क्या करना है, इसको मशीन में भी जा सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। मशीन में जाते हैं, न्यू करते हैं, तो आप कुछ भी नाम दे दें, लिनक्स दे दें, उबंटू दे दें। उबंटू देंगे तो ये ऑटोमेटिक बता देगा, वर्जन खुद ही कर देगा, लिनक्स खुद ही कर देगा। नेक्स्ट करते हैं, इसको आप रैम जितनी आप देना चाहें आप दे सकते हैं, मैं इसको 2 GB दे रहा हूँ। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा रैम लगी हुई है तो आप ज़्यादा भी दे सकते हैं। नेक्स्ट, वर्चुअल डिस्क, डिस्क इमेज, हम इसको डायनेमिकली एलोकेटेड करेंगे, क्योंकि फिक्स साइज़ हम इसको नहीं देंगे। डायनेमिकली ये होगा कि हम बाद में भी इसको इसकी स्पेस को ज़्यादा कर सकते हैं, या ये ऑटोमेटिक भी ज़्यादा कर सकता है, खुद ही ऊपर नीचे कर लेगा। हार्ड डिस्क का साइज़ अगर हम फिक्स करेंगे तो वो 20 GB उसके लिए फिक्स हो जाएगा, क्योंकि हमने 20 GB से 25 GB देंगे अगर, तो 25 GB उसको फिक्स कर देगा, तो हम वो नहीं करना चाहते। हम इसको देते हैं 25 से 30 GB तक दे देते हैं। अच्छा, हम अगर आप इसको सेव कहाँ पे करना चाहते हैं ये आप खुद ही देख लें। तो मैं तो इसको मैंने डी में ही अपना एंग्री कोडर कोडर्स फोल्डर के अंदर वर्चुअल बॉक्स का फोल्डर एक बनाया था, उसके अंदर मैं इसको सेव कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं, ये आपका मशीन क्रिएट हो गई है। तो इसमें अब हमने उबंटू डालनी है, इसकी डिटेल में जाएं, सेटिंग में जाएं, स्टोरेज में जाएं, इधर आपने उबंटू को डालना है, वर्चुअल ऑप्टिकल में आपने चूज़ करना है, क्रिएट अ वर्चुअल ऑप्टिकल। और मेरी बार ये आ रहा है क्योंकि मैं पहले कर चुका हूँ, इसलिए वो ऑप्शन दे रहा है, तो हम आपकी बार नहीं आएगा। आप ऐड करें, जिधर भी आपने उबंटू रखी होगी आप उसको ओपन कर लें। यहाँ से आपका इस तरह आ जाएगा, आपने 3.4 को सेलेक्ट करना है, फिर चूज़ करें, आपके उबंटू इसमें ऐड हो गई है। ओके करते हैं, इसको आप स्टार्ट करें। हम ट्राई और इंस्टॉल उबंटू करते हैं। वर्चुअल बॉक्स का फ़ायदा यह भी है, हम इसमें स्नैपचैट बना सकते हैं। मतलब ये है इसका कि अगर आप इसके स्टेट सेव करना चाहते हैं, कि अगर आपने कोई चीज़ अपडेट कर रहे हैं, आपको है कि कोई इशू आ सकता है, तो आप इसको रिस्टोर कर सकते हैं पिछली स्टेट के साथ बाद में। तो इस तरह भी हम इसको वर्चुअल बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे उबंटू इंस्टॉल होने के बाद। और जो ये स्क्रीन का साइज़ का इशू होता है, ये जो छोटी स्क्रीन आ रही है, ये भी हम इंस्टॉलेशन के बाद हम ये भी फिक्स करेंगे इसी वीडियो में। ये आपकी इस तरह स्क्रीन आ जाएगी, आप ट्राई उबंटू करें ताकि हमें पता चल जाएगा इसका कि वाईफाई के ड्राइवर हम इस तरह चेक कर सकते हैं ट्राई उबंटू से, और कीबोर्ड माउस वगैरह अगर हमने चेक करना हो
तो हम ट्राई उबंटू में करके चेक कर सकते हैं। ट्राई उबंटू करते हैं, फिर हम उधर से इंस्टॉल करेंगे। तो पहले हम इसकी सेटिंग में जाते हैं। स्क्रीन थोड़ी छोटी आ रही है तो आपको भी देखने में इशू होगा, हम इसके डिस्प्ले में जाके इसको 150 कर लेते हैं। हमारे पास इंस्टॉल उबंटू हम जहाँ से कर सकते हैं, वाईफाई हमारे पास, इसका वाईफाई ये होता है कि अगर आप वर्चुअल बस कर रहे हैं तो आपका वायर्ड कनेक्टेड आएगा, ये इसका मतलब हमारा कनेक्ट है वाईफाई के साथ। बाकी कुछ है नहीं इसमें, तो हम इसको इंस्टॉल ही करते हैं। इंस्टॉल पर डबल क्लिक करते हैं। इंग्लिश आ रहा है, इसको कंटिन्यू करें यहाँ से। कंटिन्यू करें, अब यहाँ से आ रहा है नॉर्मल इंस्टॉलेशन, वेब ब्राउज़र वगैरह, ऑफिस सॉफ्टवेयर, गेम। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑफिस चाहिए और मुख्तलिफ प्लेयर चाहिए, आपको मुख्तलिफ चीज़ें चाहिए आपको इसके साथ, तो आप नॉर्मल इंस्टॉलेशन करें। तो हम वर्चुअली कर रहे हैं इसको, तो इसलिए मिनिमल ही करते हैं क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा चीज़ें चाहिए भी नहीं होगी, और अगर चाहिए तो हम खुद ही इसको इंस्टॉल कर लेंगे, तो हम मिनिमल ही करते हैं। लेकिन अगर आप इसको बकायदा यूज़ करना चाहते हैं, जैसे विंडो के साथ यूज़ करना चाहते हैं, या इसको ड्यूअल बूट कर रहे हैं, तो आप नॉर्मल इंस्टॉलेशन करें ताकि आपको एक ही साथ चीज़ें आपके डाउनलोड हो जाएं। तो हम इसको मिनिमल करेंगे इसमें ताकि हमारी चीज़ें कम से कम ही हो। और लेकिन ये आप लाजमी करें, इंस्टॉल थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, मतलब ये खुद ही से जो भी इसको सॉफ्टवेयर रिक्वायर हो गए, ड्राइवर वगैरह, तो वो खुद ही डाउनलोड कर लेगा। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। इंस्टॉलेशन टाइप में आपका जब ये स्क्रीन आपकी ओपन होगी, आप इंस्टॉल नाउ पे भी क्लिक कर सकते हैं, तो आपका ये रूट और होम खुद ही आपका क्रिएट हो जाएगा। तो लेकिन आपको मैं इसको समथिंग एल्स में भी आपको गाइड कर देता हूँ थोड़ा सा। अगर आप ड्यूल बूट कर रहे हैं तो आप यहाँ से जिस ड्राइव में भी इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी तो हमारे पास ड्राइव, क्योंकि हमने वर्चुअली बनाई है, इतनी आ रही है, तो इसलिए वो कुछ दिखा नहीं रहा। हम इसको अपनी मर्ज़ी से रूट वगैरह दे सकते हैं, जैसे हम न्यू पार्टीशन टेबल में जाएंगे, इसको हम यहाँ से प्लस करेंगे। हम यहाँ से इसको अपनी मर्ज़ी का साइज़ दे सकते हैं रूट को, ठीक है, समझे। हम रूट को दे देते हैं 20 GB, और इसको यहाँ से हम रूट सेलेक्ट कर लेते हैं। ये आपका रूट आ गया है, हम इसको ओके करेंगे तो आपका ये रूट हो जाएगा। ये रूट बन गया है, अब फ्री स्पेस हमारे पास इतनी है, हम यहाँ से इसको स्वैप को भी देना है, क्योंकि स्वैप इसमें लाजमी होता है। स्वैप यूरिया ये है कि जितने आपकी मेमोरी है, जितने आपने रैम दी हुई है इसको, अब उसे इसको डबल दें, तो हम स्वैप इसको 4000 दे दीजिए। विंडो जो आप इंस्टॉल करते हैं वो ऑटोमेटिक स्वैप कर लेती है, तो उसमें अलग से होता है, लेकिन इसमें आपको अगर आप पार्टीशन बना रहे हैं तो आपको देना होता है। इसको ओके करें।
हमारे पास सिर्फ 8 GB बची है, तो हम इसको होम को दे देते हैं। ठीक है, EXT4 करें, इसको हम होम दे देते हैं। तो बाकी जो पार्टीशन आ रही है उसमें EXT4 ही है जो लिनक्स के लिए यूज़ होती है। अब मैं इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूँगा तो ये इस पे इंस्टॉल हो जाएगी 20 GB पे, क्योंकि रूट है, रूट पे इंस्टॉल होगी। और होम पे जैसे आपका से विंडो में आपका यूज़र होता है, जैसे यूज़र के लिए डॉक्यूमेंट डाउनलोड वगैरह दिया जाता है, जैसे आपको दिखा देता हूँ, ये सारा जो आ रहा है पब्लिक फोल्डर, जैसे यूज़र के लिए ये दिया जाता है डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट। इस तरह उबंटू में या लिनक्स पे हमारे पास होम होता है यूज़र के लिए। तो हम इसको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन हम इंस्टॉल नाउ पे नहीं करेंगे, हम इसको बैक करेंगे, हम इसको डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे लेके जाएंगे, जो डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन पे लेके जाएंगे, डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन करें। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं सारा। ठीक है, इसको बैक करते हैं, रेस्टिक्स एंड इंस्टॉल उबंटू, इस पर हम इंस्टॉल करते हैं, ये ऑटोमेटिक बना देगा। अच्छा, कुछ लोगों का सवाल होता है कि हम रूट को कितना दें और होम को कितनी स्पेस दें। इसको हम कंटिन्यू करते हैं पहले, तो वो ये है कि वो आप पर डिपेंड करता है। वैसे रूट की रिक्वायरमेंट ये है कि आप उसको मिनिमम जो 40 GB लास्ट में दें, अगर आप उसको यूज़ करना चाह रहे हैं, मतलब आप उसी को यूज़ करना चाह रहे हैं। इसको कंटिन्यू करें, और होम को आप दे दें, आपके होम आप जैसे आप बैकअप रखना चाहते हैं, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप होम पे जाएंगे उसमें सारे, तो उसका आप तकरीबन उसको 80 GB तक या 50 GB कुछ भी आप दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने जो इसको पहले नाम देते हैं उबंटू, पासवर्ड आप 123 कुछ भी दे सकते हैं। लॉग इन ऑटोमेटिकली करेगा तो ये पासवर्ड ऐसे ही पासवर्ड के बगैर ही लॉगिन हो जाएगा, लेकिन हम कहेंगे रिक्वायरमेंट पासवर्ड टू लॉगिन, कंटिन्यू। अच्छा, हमारी बात हो रही थी कि स्पेस के बारे में बात हो रही थी होम और रूट के, तो उसमें ये है कि आप अगर इसको यूज़ करना चाह रहे हैं, मतलब इसी में आप प्रोग्रामिंग करना चाह रहे हैं, तो आप तकरीबन रूट को मिनिमम 40 GB दें और होम को आपकी मर्ज़ी है जितनी आप दे सकते हैं स्पेस, तो मिनिमम 50 GB उसको दें ताकि आपको बाद में इशू ना हो। इंस्टॉलेशन के बाद ये आपको रिस्टोर नाउ का कहेगा, इसको रिस्टोर नाउ कर दें। इंस्टॉलेशन के बाद आपने इसकी डिटेल में जाना है, सेटिंग में, स्टोरेज में जाना है, और ये आपने एम्प्टी करना है। मेरे पर ऑप्शन आई थी तो मैंने वहीं से ओके कर दिया था, तो वीडियो में वो कवर नहीं हो सका। तो ये आपने जो ड्राइव होगी उसको आपने राइट क्लिक करना है और रिमूव कर देना है। इसको अब मैंने स्टार्ट किया है, बल्कि मैं इसको पावर ऑफ करता हूँ। और इसको हम दोबारा स्टार्ट करते हैं, बंटू बिल्कुल इंस्टॉल हो चुकी है। अब ये अपडेट का क्या काम, उसको अपडेट कर लेते हैं ऑन होने के बाद।
पासवर्ड लिखें जो भी आपने दिया होगा। मैंने 123 दिया था, 123 इसको देते हैं। इसको आप स्किप कर दें। अगर आप गूगल की आईडी देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। इसमें यह है कि आपकी गूगल ड्राइव ओपन हो जाएगी इस जगह पे, यहाँ पे आपकी गूगल ड्राइव ओपन हो जाएगी। तो हम इसको वर्चुअली हमने बनाया है, इसलिए हमें यह ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की, इसलिए हम स्किप करते हैं। हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं इसको विंडो के साथ, तो फिर आप ये इसको यस कर दें, यस ही कर देते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। इसको यहीं से नेक्स्ट कर दें, बाद में चाहिए होगी लोकेशन तो ऑन कर लेंगे खुद ही। ये आपके मतलब के ऐप ओपन हो गया सारे, जिस तरह मोबाइल में अगर आपने उबंटू पहली बार आप देख रहे हैं, जिस तरह आपके मोबाइल में ऐप होती है प्ले स्टोर होता है, इस तरह उबंटू का भी एक प्ले स्टोर होता है, इसमें एप्लीकेशन के नाम से उबंटू सॉफ्टवेयर के नाम से, तो मैक में भी होता है। तो विंडो में तो हम दूसरे तरीके से करते हैं, लेकिन ये उबंटू और मैक वगैरह लिनक्स में इस तरह हम इंस्टॉल कर सकते हैं। इनका अपना स्टोर होता है, वहाँ से हम इंस्टॉल कर सकते हैं। उबंटू हमारी इंस्टॉल हो चुकी है, इसने ये अपडेट का आ गया है, तो हम इसकी अपडेट कर लेते हैं। इसमें सिक्योरिटी अपडेट, सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में है, तो इसको इंस्टॉल करते हैं। इसके बाद हम स्क्रीन का इशू फिक्स करेंगे। इस तरह फोर्स के वेट, अगर आपका इस तरह का एरर आता है तो वेट कीजिएगा, वो खुद ही सही हो जाएगा। कंप्यूटर अगर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा हो तो इसलिए इस तरह हो जाता है कभी कभी। अब रीस्टार्ट का कह रहा है, तो हम इसको रीस्टार्ट भी करते हैं और साथ ही स्क्रीन का इशू भी फिक्स करते हैं साथ ही। तो हम इसको क्रॉस करते हैं, खुद ही से इसको टर्न ऑफ करेंगे, पावर ऑफ करेंगे और स्क्रीन का इशू भी फिक्स करेंगे। और इसके सेटिंग में जाके डिटेल पे आपने सेटिंग में जाना है। सबसे पहले आपने चेक कर लेना है डिस्प्ले, ये आपका टिक होना चाहिए, इस पर आप टिक करें, इसको ओके करें। और एक और चीज़ चेक कर लीजिए कि स्टोरेज में आपका वी बॉक्स गेस्ट एडिशन होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे आपके ऑप्शन आ रही होगी गेस्ट एडिशन की, को कैंसिल करें। ठीक है, ओके, अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। उबंटू ऑन होने के बाद आप डिवाइस में जाएं, इसको पहले आप क्रॉस करें, डिवाइस में जाएं, इंसर्ट गेस्ट एडिशन क्लिक करें। हमारा ये एरर आ रहा है। ठीक है, इसको हम यहाँ से माउंट करते हैं। और टर्मिनल ओपन करते हैं। टर्मिनल में हमने ऑटो रन डॉट एस एच टैब दबाएंगे, यहाँ से हमें सी डी में जाना है। ये आपका आपका पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड एंटर करें, ये आपकी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी।
हमें अब रिस्टार्ट करना होगा, यहाँ से हम एंटर करते हैं, इसको क्विट करते हैं। रिस्टार्ट के बाद हमारा इशू फिक्स हो जाएगा। रीस्टार्ट होने के बाद ये स्क्रीन हमारी खुद ही से ये सेट हो गई है। तो ये हमारा इशू फिक्स हो गया, हम कंट्रोल एफ करते हैं। तो अब ये देख सकते हैं कि बहुत अच्छी लुक आ रही है इसकी। हमारी उबंटू भी कंप्लीट इंस्टॉल हो गई है, हमारा ये इशू भी फिक्स हो चुका है। वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू अपडेट लेके आएंगे।